गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज है संडे, लेकिन संडे भी संडे जैसा नहीं लग रहा है। तो आज है बिजी डे। तो आज भी इलेक्ट्रिशियन घर में आए हुए हैं, इलेक्ट्रिशियन आए हैं, कुछ इलेक्ट्रिशियन का कुछ काम रह गया है, स्विच बोर्ड वगैरह सही करने हैं, और एक सीलिंग लैंप भी है जो लगाने वाला रह गया है। तो हो सकता है हम लोग आज मार्केट जाएं, क्योंकि अगर अभी आ गया सीलिंग लैंप तो लग जाएगा, नहीं आया तो फिर इलेक्ट्रिशियन दोबारा नहीं आएगा, तो शायद ना लग पाए। तो देखते हैं, अभी कुछ घर के भी काम, जैसे नंबर वगैरह, नंबर प्लेट भी नहीं आई है, हमारे हाउस नंबर नहीं मिला है, तो उसके लिए भी शायद हो सकता है हमें बाहर जाना पड़े। तो चलिए, पहले थोड़ा बहुत काम रह गया है। जो संगीता है, जो हमारी मेड है, वो आके अपना काम कर चुकी है। अब मैं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट और उसके बाद नहा के और चलते हैं मार्केट। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन आए हैं तो मेरी किचन की प्रोफाइल लाइट भी लग जाएगी, जो पिछले 3 महीने से मैंने ला के रखी थी। उस दिन कारपेंटर अपना आधा अधूरा काम करके चले गए थे, लेकिन फिर इलेक्ट्रिशियन का काम रहता था, तो आज इलेक्ट्रिशियन आए हैं और उन्होंने मेरी किचन में प्रोफाइल लाइट लगा दी है। तो देखिए, ऐसे लग रही है, अभी बच्चों को लग रही है थोड़ी सी भूख, तो अभी और तो कुछ जल्दी जल्दी बन नहीं सकता, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैगी बनाकर दे दी जाए। तो रुचिका और कुंज को मैगी बनाकर दे रही हूँ। बच्चे मैगी में मैगी मसाला डालकर खाते हैं, और ऊपर से थोड़ा मैं देसी घी डाल देती हूँ, तो टेस्ट अच्छा आता है। तो ये दोनों बच्चों के लिए मैंने बना दी है मैगी, और हमारे लिए भी बनाने वाली हूँ नूडल्स, यिप्पी से बनाने वाली हूँ। ऐसे बॉईल करके सीधा नहीं बनाऊँगी मैं, पूरे अच्छे से वेजिटेबल्स वगैरह डाल के उसे नूडल्स की तरह बनाऊँगी, जो काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो अभी बना रही हूँ मैं इलेक्ट्रिशियन लोगों के लिए चाय, क्योंकि चाय बिना तो उनका काम होगा नहीं, और चाय पीते ये लोग फुर हो जाएंगे, जैसे उस दिन हो गए थे कि काम करेंगे भाभी जी, पहले आप हमें चाय बना कर दीजिए। तो मैं उनके लिए बनाने जा रही हूँ चाय, और साथ में ही बना रही हूँ नूडल्स इससे बना रही हूँ मैं। पानी को पहले बॉयल करके उसमें नूडल्स बॉयल कर लूँगी, उसके बाद मैं सारा मसाला, प्याज, ऑनियन, जो प्याज और शिमला मिर्च वगैरह सब डाल के, और 4 पैकेट मैंने मैगी मसाला के, 3 पैकेट सॉरी मैंने मैगी मसाला और जो यिप्पी के अंदर जो मसाला आता है वो डाला है, और थोड़ी सी नमक और हल्दी एक्स्ट्रा डाल रही हूँ। तो मैं सबसे पहले प्याज और शिमला मिर्च को पकाऊंगी, उसके बाद ये मसाला डाल दूंगी और टमाटर डाल दूंगी, जो भी आपके पास सब्जियां हैं सब डाल दीजिए। उसके बाद उसके अंदर आप थोड़ा सा सॉस डाल सकते हैं, सॉस डाल के और अच्छे से मिक्स करने के बाद आप ये जो नूडल्स हैं बॉईल हुए हुए, उसे आप छन्नी में ले लीजिए और उसको अच्छे से ठंडे पानी के साथ ठंडा कर लीजिए, ठंडा पानी उसके ऊपर डाल दीजिए, और वो वाले जो बॉईल किए हुए नूडल्स हैं आप टमाटो सॉस डालने के बाद वो डाल सकते हैं, उसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो हो गए हमारे नूडल्स तैयार। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल चाउमीन जैसा ही टेस्ट आता है इसमें। तो घर के अच्छे फ्रेश बने हुए आप जब मर्जी आप बना सकते हैं, बच्चों को भी अच्छे लगेंगे। लेकिन मेरे बच्चे हैं जो वेजिटेबल्स खाते नहीं हैं, तो वो सिंपल मैगी खाते हैं, तो मैंने उन्हें सिंपल मैगी बनाकर दे दी है। फ्रेंड्स, अब ब्रेकफास्ट कर लिया है, और यार संडे ना हो गया, चाय बनाने का दिन हो गया, तो ये चाय फिर से बन रही है। पहले मिस्त्री लोगों के लिए बनी, इलेक्ट्रिशियन के लिए, फिर इनके लिए बनी, फिर से इलेक्ट्रिशियन लोगों के लिए बनी। आज लगता है मेरा चाय डे हो गया है। तो अब बन रही है इनके लिए चाय, उसके बाद तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं मार्केट, जो एक लैंप रहता है वो लेके आएंगे लगाने के लिए। और क्या लाना? रिंग लगी, रिंग लगी। हाँ, एक रिंग चेंज कर रही, पर दूसरी नहीं लेनी, मतलब वो बेल का, बेल का, हाँ बेल का स्विच है जो वो खराब हो गया है, न्यू भी चीज़ें खराब हो जाती हैं, ऐसे तो काम होते हैं हमारे घर के, तो वो लेके आनी है। और मंदिर का ये लाइट है, ये भी ख़राब है, ये भी लेके आना है। प्रोफाइल लाइट जो मंदिर में बची हुई लगानी थी, जो किचन में लगी थी, वो वाली बच गई है। उसका अडैप्टर लाना था, लेकिन उसका काम हो गया, क्योंकि पहले वाली लाइट का अडैप्टर आने वाले पड़े थे, उससे काम हो जाएगा। तो देखते हैं शॉप खुली है नहीं। तो फ्रेंड्स, हम लेने गए थे लैंप, लेकिन लैंप तो अच्छे थे, लेकिन वो जैसे फ्लिपकार्ट में जो वो हाफ हाफ रेंज में मिल रहे हैं, और वो डबल रेंज में लगा रहे थे, और सेम वही चीज़ मिल रही है अगर ऑनलाइन में जाकर, और सस्ती मिल रही है, तो फिर हम महंगी क्यों लेंगे ना ऑफलाइन में। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना ऑनलाइन शॉपिंग कर ली जाए लैंप की भी। तो देखूँगी, 700 का कुछ था जो मैंने वहाँ पे देखा था, वो 1800 का, 1200 का बता रहे थे, और जो ऑनलाइन में मिल रहे हैं वो 700 के, 800 के, 1000 के भी मिल रहे हैं, और सेम क्वालिटी और सेम एक जैसे से ही लग रहे हैं, बस उसमें बल्ब साथ में नहीं, ये भी बल्ब का एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो मैं सोचूँ मैं ऑनलाइन ही मंगा लूँ, तो मैं आज ही ऑर्डर कर दूँगी। इलेक्ट्रिशियन की बात रही तो मैं कोई और इलेक्ट्रिशियन बुलवा के उससे लगवा लूँगी, वो कितने 100 रुपये ले लेगा और क्या। तो चलो देखते हैं, इसका ऑनलाइन ही मंगाएंगे लैंप। आखिरकार इलेक्ट्रिशियन के सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, और अब मैं करने वाली हूँ सफाई, थोड़ी सी झाड़ू निकालते हैं, उसके बाद खाते हैं खाना। सब्जी तो मैंने आज बनाई नहीं, क्योंकि नूडल्स खा के पेट फुल हो गया था। तो मैं बनाने वाली हूँ आज ऑनियन के परांठे, जब भूख लगेगी तब, क्योंकि ये 2-3 बार चाय पी चुके हैं मिस्त्री लोगों के साथ। तो अभी मेरा मंदिर का छोटा सा काम रहता है, वो लोग नहीं कर पाए, क्योंकि आज शॉप सारी बंद थी,
तो जो ये प्रोफाइल लाइट है उसमें एक जरा सा टांका लगेगा, वो मैं जाके करवाऊँगी, उसके बाद मैं खुद ही प्रोफाइल लाइट लगा सकती हूँ। तो मैं आज शाम तो शॉप खुलेगी नहीं, कल जाऊँगी और कल लगा के आऊँगी टांका, और उसके बाद प्रोफाइल लाइट मैं खुद से मंदिर में लगा। तो इलेक्ट्रीशियन अपना काम करके चला गया, उसके बाद काम रह गया मेरा। तो मैंने अभी की घर की पूरी सफाई, उसके बाद हमने खाना खाया और किया रेस्ट, और शाम को आज बन रहे हैं दाल और चावल। दाल चावल बनाने के बाद हमने कुछ दूसरे चैनल के लिए कुछ वीडियोस, पूरे वीक की हमने वीडियो शूट कर ली हैं, बस वो एडिटिंग रह जाएगी, जो एडिटिंग मुझे बाद में करनी होगी। तो फ्रेंड्स, खाने में बने हैं दाल चावल, कुछ को लग रही है भूख, अभी हमने वीडियो शूट की है दूसरे चैनल के लिए और अब हम खाना खाएंगे। खाना खाने बार वाले का बना था कलर, हाँ येलो कर दिया ना, कब बदला? अभी वो आया था ना इलेक्ट्रिशियन, तब बदला था, ठीक है ना, व्हाइट से सारे येलो येलो के बाद। अच्छा। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, कुंज करेगा आपको, बाय करेगा कुंज, बोलो, अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना।